बाबा ने आग दी जब आशियाने को मेरे, बाबा ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। दोस्तों, जब प्रेम की बात करने वाला नफरत की बात करने लगे, अमन और शांति का प्रचार और प्रसार करने वाला अचानक फितना और फसाद की भाषा बोलने लगे, जीवन की कला सिखाने वाला जीवन को तहस नहस करने पर लग जाए, समस्याओं का समाधान करने वाला समस्याएं पैदा करने लगे, और मुसालहत की बात करने वाला जंग की धमकी देने लगे, तो उस पर अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं किया जा सकता। बस यही कहा जा सकता है, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। दोस्तों, ऐसा ही जीवन की कला सिखाने वाले श्री श्री रवि शंकर ने एक धमकी भरे बयान से किया है। उनका कहना है कि अगर मुसलमान अयोध्या में मस्जिद से दस्तबरदार नहीं होते और अयोध्या में मंदिर नहीं बनता है, तो ये इंडिया, ये भारत सीरिया बन जाएगा। रविशंकर जी, आपको क्या हो गया है? आप तो वो शख्स हैं कि आपका नाम जबान पर आते ही एक सेकुलर शख्स जहन में आता है। आप तो जीवन की कला सिखा रहे हैं, फिर ये जीवन के खिलाफ बात क्यों? आप तो वर्ल्ड पीस प्रोग्राम आयोजित करते हैं, फिर ये फितना और फसाद की भाषा क्यों? आप तो एक सेकुलर माइंड है, फिर ये अदालत की तोहीन कैसे? आपने कैसे कह दिया कि भारत सीरिया बन जाएगा? आप तो विद्वान हैं, आपको अचानक जंग में सॉल्यूशन कैसे नजर आने लगा? आपने ये कैसे कह दिया कि कोई भी फरीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राजी नहीं होगा, जबकि मुस्लिम पर्सन लॉ शुरू ही से ये कह रहा है कि उसे सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल भरोसा है और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशी खुशी मानने के लिए तैयार है, और यही हाल हर हिंदुस्तानी मुसलमान का है। और आपने ये दलील दे दी कि अगर मुसलमानों के खिलाफ फैसला आ जाता है तो मुसलमानों के अंदर हार का एहसास पैदा होगा। ये क्या बात हुई? हार का एहसास तो तब पैदा हो सकता है जब मुसलमान कानूनी लड़ाई लड़ना छोड़ दें और आपके इनजस्ट फार्मूले पर अमल करके मस्जिद से दस्तबरदार हो जाए। मुसलमानों को इंडियन जुडिशियरी पर मुकम्मल यकीन है, वो आपकी तरह नहीं है। अगर आप इतने खैरख्वाह हैं तो आपको ये अपील करनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सब लोग एहतराम करें, कोई फितना और फसाद ना मचाएं, ना कि आपको अदालत और कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन करनी चाहिए थी।